दोस्तों, नीता के अमेजिंग किचन में आपका स्वागत है। मूली के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए हमें चाहिए मूली। ये आधा किलो मूली है। इसे मैंने धोकर देखिए हल्का हल्का इसको छील लिया है। इसका स्किन थोड़ा हल्का सा हटा दिया है। और ये चुटकी भर हमने अजवाइन लिया है। ये आधा चम्मच आमचूर पाउडर है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, एक हमने हरी मिर्च लिया है। अगर आप इसको बच्चे लोग के लिए बना रहे तो आप स्किप भी कर सकती हैं। और एक चम्मच हमने हरा धनिया लिया है और एक मीडियम साइज का प्याज लिया है। इसे मैंने बारीक काट लिया है। अब स्टफिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार करके हम इस कद्दूकस करने वाला से ये मूली को हम कद्दूकस कर लेंगे। हमने मूली को घिस लिया है, मूली हो गया पूरा। अब इसमें हम नमक दे देंगे स्वाद के अनुसार, नहीं तो आधा छोटा चम्मच नमक डाल दीजिए। और इसको मिला लीजिए ताकि ये जितना भी पानी छोड़े, पानी छोड़ देगा जैसे मूली में डाल देने के बाद, इसको हल्का सा मिला लीजिए और इसको एक किनारे में रख देते हैं। अब हम इसका डो तैयार करते हैं, आटा जो जिसमें हम भरेंगे। अब हम आटा लगा लेते हैं। आटा उगाने के लिए हमने 2.5 कप आटा लिए हैं। इसमें टेस्ट के अनुसार नमक देंगे। हाथ से मिक्स कर लेते हैं इसको ताकि नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए आटा में। अब इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा पानी देके इसका आटा लगा लेंगे। थोड़ा पानी देकर के इसका आटा लगा लेंगे। आटा लगा लिए हैं। देखिए तुम थोड़ा सा टाइट, रोटी की आटा से थोड़ा सा टाइट होना चाहिए ताकि इसमें स्टफिंग हो तो बेलने से फटे नहीं। और इसको आटा सेट होने के लिए हम 15 मिनट ढक के रख देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। मूली में नमक दिए हुए, देखिए पानी छोड़ दिया है। अब इसको हम छन्नी में रख के इसको पानी से हाथ से दबा दबा के निकाल लेंगे। पानी एकदम नहीं रहना चाहिए, नहीं तो बेलने के समय बहुत प्रॉब्लम करेगा। एकदम ड्राई होना चाहिए। इसी तरह हाथ से ही हम दबा दबा के सारा पानी निकाल लेंगे। आप चाहें तो वो सूती कपड़ा में भी डाल करके दबा करके निकाल सकते हैं। देखिए कितना पानी निकल रहा है। मूली में तो पानी है, मूली में पानी की मात्रा बहुत होती है। इस सीजन में बहुत सारी सब्जियां आती है मार्केट में। सर्दियों तरह तरह के पराठे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। ये कोई तरह ड्राई हो गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए इतना पानी निकल चुका है। अब इसको फेंक देंगे। बात मूली पूरा ड्राई हो गया है। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे, धनिया पत्ता, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, हरी मिर्च और अजवाइन को हाथ से दबाकर क्रश कर लें हाथ में। अब तब इसमें डालें नमक, तो हम पहले ही डाल चुके हैं। अब इसको हल्का से मिक्स कर लेते हैं। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, आटा भी सेट हो चुका है। देखिए एक बार इसको फिर से मिल लेते हैं। अब इसका लोई लेंगे। इसमें हम स्टफिंग डालेंगे। अच्छी तरह से इसको बंद करेंगे।
इसको हल्के हल्का हल्का बेलन चलाएंगे, ज्यादा दबा के नहीं, तो स्टफिंग लिखने का डर था। और अगर ऐसा रहे तो हल्का सा उसमें आटा डाल दें, अब इसमें स्टफिंग डाल देंगे। पलट देते हैं, मुट्ठी से पकने देते हैं दिमाग पे, और एक दूसरा भी एक ठो बेल लेते हैं। अब इसमें हम तेल लगा देंगे, पराठा हो गया मूली का। अब दूसरा भी इसी तरह बना लेंगे। मेरे मूली के पराठे बनकर तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें।